इसका म्यूज़िक मेरे फिल्म का हर म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है, पर इसमें आनंद राज आनंद और अनु मलिक ने म्यूज़िक दिया है और दोनों ने काफ़ी अच्छे गाने दिए हैं सिचुएशन के हिसाब से गाने, और मेरे हिसाब से तो जब फिल्म देखेंगे तो और भी पसंद आएंगे गाने, लेकिन वैसे भी गाने इतने अच्छे हैं कि जब रिलीज़ म्यूज़िक रिलीज़ होगा तो ऑडियंस ही बताएगी कि कितना अच्छे लगे या कितने अच्छे नहीं लगे। मेरे सभी गाने फेवरेट हैं। बेसिकली ये थ्रिलर है तो ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा, बस इतना ही कह सकता हूँ कि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी का रोल प्ले कर रहा हूँ जो एक लड़की के प्यार में पागल हो जाता है, उसे शादी कर लेता है और इतना ऑब्सेसिव लवर होता है कि वो अपनी वाइफ को डाउट करने लगता है, उसके बाद उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है और उसके बाद में कौन सा जुर्म होता है, क्यों होता है और कैसे होता है वो आप सब जुर्म देखिए तो पता चलेगा। इसमें है हर, इसमें आप कितने हद तक नेगेटिव है और कितने हद तक नहीं वो आपको तब पता चलेगा जब फिल्म देखेंगे। डेफिनेटली इसमें मेरे कैरेक्टर में काफ़ी ग्रे शेड्स हैं और आप देखेंगे तो पता चलेगा। लारा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत मज़ा आता है और जब भी हमने काम किया है ऐसे नहीं लगता कि हम लोग नो ईजी एटमोसफेयर होना चाहिए, फ्रेंडली एटमोसफेयर होता है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन इस फिल्म में मैंने गुल के साथ पहली बार काम किया और मिलन के साथ, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके भी। हम लोग गए थे मलेशिया और वहाँ आउटडोर्स पे काफ़ी मज़ा आया शूटिंग के दौरान और उसके बाद शाम को भी, और इट वॉज लाइक अ बिग फैमिली टुगेदर, एवरीबडी इज़ परफॉर्म रियली वेल एंड दैट्स द रीज़न वाई दिस फिल्म हैज़ शेप्ड अप सो वेल, बिकॉज एवरी सब डिपार्टमेंट में सब ने बहुत मेहनत की है तो काफ़ी अच्छी बनी है फिल्म। वैसे भी ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि विक्रम, मैं और आशीष, हम तीनों एक दूसरे को मतलब दोस्त हैं बचपन से, जब से हम कॉलेज स्कूल में थे और हमेशा हमको फिल्मों में आना था, तो हमने जब हम टीनेजर्स थे हमने एक फिल्म बनाई थी जिसको विक्रम ने डायरेक्ट किया था और मैं और आशीष ने एक्ट किया था उसमें, तो एक किस्म से हमारा एक सपना पूरा हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स वेरी स्पेशल। बॉबी भाई इतना थोड़ा सा आप लोग मार्च की चले जाएंगे सर, वो जरूरी है मिले सही हो जाएगा ना। हां थोड़े पीछे हो जाइए ना आप लोग सब, थोड़े पीछे हो जाइए, चलो आज लाला जी गुल जी जरा बीच में नितिन जी
अरे यार तेरा कैमरा नीचे ले यार। हेलो डायरीमध्ये लिंक होतं ना कधी पण ठीक झालं